नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, आज हम 11th क्लास का चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया था? तो इसका उत्तर है कि जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंजिया एवं पैंथालासा क्या है? तो पेंजिया आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के रूप में थे, जिसे पेंजिया कहा गया। सारे एक ही थे, अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। और पैंथालासा पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैंथालासा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य महासागरीय कटक क्या है? तो मध्य महासागरीय अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है, जो महासागरीय जल में डूबी हुई है, उसे मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर के किनारे सैक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट से क्या तात्पर्य है? प्लेट से क्या तात्पर्य है? तो महासागरीय एवं महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार का खंड है, जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है। इसे प्लेट प्लेट ये प्लेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रूपांतर सीमा क्या है? तो दो प्लेट जब एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं और नई प्रॉपर्टी का निर्माण या किसी प्रॉपर्टी का विनाश नहीं करती, न तो निर्माण करती है न विनाश करती है, तो इस सीमा के रूप को रूपांतर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसर निक्षेप से क्या तात्पर्य है, या आप क्या समझते हैं? तो नदियों की तले में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत नदियों के तलों में सोने के निक्षेप भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिलाइट से आप क्या समझते हैं? टिलाइट और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो टिलाइट वे अवसादी से चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टिलाइट पाए जाते हैं। इसी क्रम में भारत के अतिरिक्त दक्षिण गोलार्ध के अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। लेमूरिया से आप क्या समझते हैं? तो लेमूरिया प्रजाति के लेमूर प्रजाति के जीवाश्म भारत में मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलमंडल की उपस्थिति को स्वीकार है, जिसे वे लेमूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम किसने व कब प्रकट की थी? तो यह अब्राहम आर्टेसियस ने 1596 ईस्वी में प्रकट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंजिया के विभाजन से कौन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए? तो यह है लारेशिया उत्तरी भूखंड है और गोंडवाना लैंड ये दक्षिण भूखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया गया, बताएं? तो सन 1964 ईस्वी में बुल्टर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, जिसमें तटों का साम्य एकदम सही साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कौन सी वैज्ञानिक खोजें थी जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को खारिज कर दिया, यानी नकार दिया कि ये ठीक नहीं है? तो पहला था महासागरीय धरातल का मानचित्रण व बनावट, दूसरा था
कि भूकंप व जवाब वाला मुखियों का वितरण, और तीसरा है सागरीय अध स्थल का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय साम्य से क्या तात्पर्य है? कि महाद्वीपों की सीमाओं में एक रूपता दिखाई देती है यदि उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफी हद तक एक रूपता दिखाई देती है, इसे ही महाद्वीपीय साम के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है? तो मेंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिविटी तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती है। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है, रेडियो एक्टिविटी तत्वों के कारण ही संवहन धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना? तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, एक था पोलर फ्लाइंग बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीपीय अपने स्थान से खिसक गए हैं, और दूसरा ज्वारीय बल। ज्वारीय बल वह है जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इस आकर्षण बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्वालामुखी भूकंप व ज्वालामुखियों का विषम में वितरण स्पष्ट करें, या भूकंप व ज्वालामुखी की तीन पेटियों के बारे में बताएं, कौन कौन सी पेटियां? तो इसकी पहली पेटी है अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समांतर भूकंप ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। दूसरा क्षेत्र अल्पाइन महासागर हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप समान है, और तीसरा क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे एक वल्ले के रूप में है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो सन 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉरेगन ने प्लेट विवर्तनी की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल सात मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेट दुर्बलता मंडल पर दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी सीमा एवं अभिसरण सीमा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो अपसारी सीमाएं, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं, कैसे विपरीत? दूसरा है कि इसमें नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, और इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है, और इसका अनुसरण मध्य अटलांटिक कटक में है। और अभिसरण सीमा है, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समीप जाती हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दसती है और वहां भूपट्टी नष्ट होती है, जबकि यहाँ पर भूपट्टी का निर्माण होता था। इसमें प्रविष्टियन क्षेत्र, इसे प्रविष्टियन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकी प्लेटें हैं। तो ये आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवर्तनिक प्लेटों को संचालित करने वाले बलों के अध्ययन में संवहन धारा सिद्धांत क्या कहता है, स्पष्ट कीजिए। तो सन 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने प्लेटों के संचलन में लगने वाले बल के रूप में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी, जिसका बाद में हैस ने समर्थन किया, ये वैज्ञानिक था। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में तापमान में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है, एक रेडियोधर्मी तत्व पक्ष है और दूसरा अवशिष्ट ताप। भूगर्भ में उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, ठंडा होता है और फिर गहराइयों में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार, मतलब बार बार दोहराया जाता है, और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, स्पष्ट करें। तो इसमें है कि पहला है महाद्वीपीय
में समानता है, समय तक हमने समानता है। यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें आमने सामने की तटरेखाओं में अद्भुत समानता दिखाई देती है। दूसरा है महासागरों के पास चट्टानों की आयु में समानता। वर्तमान में जो दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर है उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शहर समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट यानी दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में साथ साथ थे। तीसरा है टिलाइट। टिलाइट ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टाने हैं। इससे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल मंडलों में मिलते हैं जो इनके प्राचीन काल के साथ होने का प्रमाण है। नेक्स्ट है कि प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका कभी एक थे। तीसरा है जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है मूलभूत अंतर इसमें? तो पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है तो इसमें है कि वैगनर ने यह माना कि कार्बन फेरस युग में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वैगनर ने पेंजिया नाम दिया था, जो आपको शुरू में ही बताया गया है। वैगनर का विचार था कि पेंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बन फेरस युग से प्रारंभ हुई। लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण कर लिया था। यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। दूसरा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल से बने हुए महाद्वीपीय सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। उस समय विद्वानों का यह विचार था कि महासागरीय भूपट्टी बेसाल्टिक स्तर पर ही विस्तार है। आर्थर होम्स ने सन 1928 में बताया कि भूगर्भ में तापमान में अंतर होने के कारण संवहनीय धाराएं चलती हैं जो प्लेटों को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्लेटें सदा गतिशील रहती हैं और महाद्वीपों में विस्थापन पैदा करती हैं। तो ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है कि महासागर ये अधस्थल की मानचित्र से कौन सी उच्चावस संबंधी जानकारियां प्राप्त हुई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताओ तो महासागरों ये धरातल पर जलमग्न पर्वत कटके गहरी खाइयां हैं जो महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। मध्य महासागर कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सर्वाधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य साफ कर दिया है कि महासागरों के नितल यानी पैंदे में की चट्टाने 20 करोड़ वर्ष पुरानी है, जबकि महाद्वीपीय हिस्सों में पाई जाने वाली कुछ एक पुरातन चट्टाने 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टाने जो कटक के समान दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु तथा संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर यह अधस्थल के विकास की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। तो सागर या अधस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी एस ने प्रस्तुत की। ऐसा उन्होंने मध्य सागर या कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय पर्पटी में विभेदन हुआ एवं नवीन लावा इस दरार को भरकर महासागरीय
प्रॉपर्टी को दोनों ओर धकेल रहा है। इस तरह महासागरीय अध्यय स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय प्रॉपर्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना तथा साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सुकड़ने पर हेस ने यह महासागरीय प्रॉपर्टी के क्षेपण की बात कही है। उनके अनुसार अगर महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नवीन प्रॉपर्टी की रचना होती है तो दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में प्रॉपर्टी का विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार सात प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो पहला है अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा है अमेरिकी उत्तर अमेरिकी प्लेट, चौथा है अफ्रीका प्लेट, पांचवा है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, छठा है यूरेशिया प्लेट और सातवा है प्रशांत महासागरीय प्लेटें। प्लेटों की सीमाएं किस प्रकार सीमांकित होती है यह स्पष्ट करो। तो पहला है कि नवीन वलित पर्वत श्रेणियों के द्वारा होती है, समुद्री खाइयों के द्वारा होती है और भ्रंश के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि वैगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों को गतिमान बनाती है, जबकि महाद्वीप यह एक स्थलमंडलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। दूसरा कि वैगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीपों को एक संगठित रूप पेंजिया मौजूद था, जबकि बाद की खोजों में साबित हुआ है कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे तथा पेंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था और यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती है। तीसरा है कि वैगनर का सिद्धांत महासागरों के तलिक की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है, जबकि प्लेट विवर्तनिक के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। नेक्स्ट, वैगनर के सिद्धांत महासागरीय तली के चट्टानों की न्यूनतम व महाद्वीपीय शैलों की अति पुरातन की व्याख्या नहीं करता। और इसके बाद में है कि वैगनर का सिद्धांत महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना था, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकने में असमर्थ हैं। प्लेटों की गतिमान गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली सामान्य धाराएं जिससे प्लेट गतिमान रहती हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय विवर्तनिक प्लेट का संचलन आज भी जारी है, स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो भारतीय विवर्तनिक प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल हैं। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत के साथ साथ विस्तृत प्रविष्टियन क्षेत्र है। यह महाद्वीपीय अभिसरण सीमा के रूप में है। इसकी पूरी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। पूरी दिशा में म्यांमार के राकिन्योम पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में यह जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान की किरदस श्रेणियों का अनुसरण करती है। आगे है मकरान तक से होती हुई पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो एक विस्तरण तल है में जा मिलती है। भारतीय एवं आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल की में मिल जाती है। इन सभी सीमाओं पर भूकंपीय घटनाएं ज्वालामुखी प्रक्रिया आज भी जारी हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इस प्लेट में संचलन जारी है। तो आज हमने ये चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताए। आशा है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, इसी उम्मीद के साथ।